चैप्टर हमारे दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का अपवाद वाला केस। सबसे पहले हमारा H2SO5 का नाम है परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, किरान पुलाड, मतलब केरोज एसिड। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन एसिड +1 है तो +1 लिखें, हाइड्रोजन का दो आइटम है तो -2 लिखें, हाइड्रोजन से सल्फर की ओर गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X माने, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिखे, ऑक्सीजन का 5 आइटम है तो -5 किए, केरो जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 कर दिए, 2 के लिए 2 लिखें, X के लिए X और -10 के लिए -10 -0। तो X बराबर आ गया +8, मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ गया, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सेंट्रल आइटम सल्फर है और यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे, एक ऑक्सीजन ऊपर लिखें, एक ऑक्सीजन लेफ्ट, और दो ठो ऑक्सीजन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़े, दो ठो ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, तो इसको क्या बोलते हैं, परोक्साइड बॉन्ड। तो उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन एसिड -1 हो जाता है, दूसरा ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन एसिड -1 हो जाता है। तो फ्रॉम स्ट्रक्चर से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो X माने, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो X माने, ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो -2 लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आइटम है तो -3, परोक्साइड बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 आइटम है तो -2 लिख दिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए, हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो -2 लिखिए, केरो जैसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए, तो एक्स के लिए एक्स हो गया, -6 के लिए -6, -2 के लिए -2, +2 के लिए +2, =0, तो एक्स बराबर आ गया +6, जो क्या हमारा राइट आंसर। H2SO8 का नाम है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को प्यार से कहते हैं मार्शल्स एसिड। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए, हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो -2 लिख दिए, हाइड्रोजन से सल्फर की ओर गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X समान है, सल्फर का 2 आइटम है तो -2 लिख दिए, फिर सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए, ऑक्सीजन का 8 आइटम है तो -8 लिख दिए, के जो हमारा मार्शल्स एसिड वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए, 2 के लिए 2 हो गया, 2x के लिए 2x और -16 के लिए -16 =0, तो 2x -14 -0 आया, तो x बराबर आ गया 14/2 +7, जो हमारा क्या है, गलत, क्योंकि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। तब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे मार्शल्स एसिड का, दो ठो सल्फर तो 2 सल्फर लिख दिए, दो ठो ऑक्सीजन ऊपर में लिखे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो ठो हाइड्रोजन था दो ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए, और एक हमारा क्या है, परोक्साइड बॉन्ड बन रहा है दोनों सल्फर के बीच, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिंकेज को क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज, और बनने वाले बॉन्ड को परोक्साइड बॉन्ड। तो उस समय ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन से -1 और -1 हो जाता है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 है, इस ऑक्सीजन का भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इस ऑक्सीजन का भी -2 है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे, तो सल्फर का 2 आइटम है तो 2x लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आइटम है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखना होता है, -2 हो गया -6, और दो ठो ऑक्सीजन है तो 2 लिख दिए, दो ठो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो -1 लिख दिए, फिर दो ठो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो +1 लिख दिए, दो आइटम है तो -2 कर दिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0, तो 2x -12 -0, तो 2x -12 हो गया, x 12/2 +6, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 प्लस हुआ, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। CrO5 का नाम है क्रोमियम 6 ऑक्साइड, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। तो क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X माने, क्रोमियम का 1 आइटम है तो -1 कर दिए,
क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 लिख दिए, ऑक्सीजन का 5 एटम है तो गुना 5 कर दिए, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 लिख दिए। तो एक्स बराबर क्या आ गया +10। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ गया तो ये हमारा क्या हो गया रॉन्ग आंसर। तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंट्रल आइटम क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख दिए, 5 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की मदद से ऊपर बना दिए और 2 ऑक्सीजन लेफ्ट में और 2 ऑक्सीजन राइट में। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या है परोक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो क्या है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, मतलब तितली के जैसा स्ट्रक्चर। तो क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक्स माने, 1 ऑक्सीजन है तो 1 लिख दिए, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 लिख दिए, फिर परोक्साइड बॉन्ड वाला ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में -1 होता तो -1 लिख दिए, 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन है परोक्साइड बॉन्ड में तो गुना 4 लिख दिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो इक्वल टू 0। तो एक्स -2 -4 बराबर 0 तो एक्स बराबर आ गया +6। तो इस क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के द्वारा अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर देना, सबसे पहले हमारा क्या अमोनियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अलग अलग आएगा। जब जब हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ें तो एक में टूट गया अमोनियम आयन में और दूसरा टूट गया नाइट्रेट आयन में। सबसे पहले अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल आइटम क्या नाइट्रोजन तो एक समान है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो +1 लिख दिए, 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए, अमोनियम आयन के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो बराबर +1 कर दिए। तो एक्स बराबर हो गया -4 + 1 बराबर -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -3। नाइट्रेट आयन का सेंट्रल आइटम कौन है नाइट्रोजन तो एक्स माने, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 माने, ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 2 किए, नाइट्रेट आयन के मुंडी पर 1 -1 चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। तो एक्स -6 बराबर -1 तो एक्स बराबर 6 - 1 बराबर +5, तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। CaOCl का नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर, तो जब ब्लीचिंग पाउडर को तोड़ते हैं दो तो Ca2+ OCl- और Cl- में टूटता है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन 2+ है, यहाँ पर 2 क्लोरीन का आइटम है दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग शो करता है। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक समान नहीं है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए, ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो गुना 1 कर दिए, इसका मुंडी पर 1 -1 चार्ज है तो बराबर -1 कर दिए। तो एक बराबर हो गया +2 - 1 बराबर +1, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। अब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो एक्स लिख दिए, इस क्लोरीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज तो बराबर -1 हो गया, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -1। Fe3O4 का नाम है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, जब इसको तोड़े तब Fe2O और Fe2O3 में टूट गया, तो Fe2O का नाम है फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन क्या है सेंट्रल आइटम तो एक माने, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में -2 होता तो -2 माने, ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो गुना 1 कर दिए, फेरस ऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0, तो एक बराबर हो गया +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2। Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो एक्स माने, आयरन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए, आयरन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 लिखे, ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 किए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो इक्वल टू 0, 2x के लिए 2x, -6 के लिए -6 बराबर 0 के लिए बराबर 0, 2x बराबर 6 आया और x बराबर आगे 6/2 तो बराबर +3 प्राप्त हुआ। तो फेरिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और फेरस ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा क्या गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को प्यार से क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो एक सबस्टांस के ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन। दूसरा आगे रिडक्शन, रिडक्शन को प्यार से क्या बोलते हैं अवकरण। एक सबस्टांस के ऑक्सीडेशन नंबर में
ऑक्सीडेशन नंबर में घटने की प्रक्रिया कहलाती है रिडक्शन। तो ये आगे दोस्त एग्जांपल, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सॉरी हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया। तब देखिए हाइड्रोजन होमोटोमी मॉलिक्यूल है, तो होमोटोमी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। ऑक्सीजन भी होमोटोमी मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस वन होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस टू होता है। तो ये देखिए दोस्तों हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है और यहाँ जब प्रोडक्ट की तरफ पहुँचे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन हो गया। तो ट्रिक क्या हमारा पी ओ, तो पी से हो गया पॉजिटिव और आई से हो गया इंक्रीज और ओ से हो गया ऑक्सीडेशन। अगर वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो जीरो से प्लस वन आ गया, वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, प्रोडक्ट साइड आए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू हो गया। तो वैल्यू पॉजिटिव में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब जीरो से माइनस टू हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन। ट्रिक है पी ओ, पी से पॉजिटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा तो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। मैग्नीशियम में प्रतिक्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया और ये नॉन मेटल अकेला का अकेला रह गया। तो मैग्नीशियम फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या गया प्लस फोर, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होता है, सल्फर फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी जीरो है, प्रोडक्ट साइड गए तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू हो गया, तो वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार है, प्रोडक्ट में गए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया, वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है तो कहलाएगा रिडक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार आ रहा है, आइए देखते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो एक समान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता तो माइनस टू लिख दिया, ऑक्सीजन का दो आइटम है तो गुना दो किए, SO2 का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू जीरो लिख दिए, तो एक बार प्लस चार आ गया तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो एक समान है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन माइनस टू होता तो माइनस टू लिख दिए, ऑक्सीजन का एक आइटम है तो गुना एक कर दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू जीरो लिख दिए, तो एक बराबर आ गया प्लस टू, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस टू। फॉस्फोरस प्रतिक्रिया करें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन करने से फॉस्फोरिक एसिड बन गया और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया। तब पी फोर होमोटोमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पाँच होता है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पाँच होता है, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार है। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल देखिए अभी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, प्रोडक्ट के साइड गए तो देखिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पाँच हो गया, मतलब जीरो से प्लस पाँच में कन्वर्ट हो गया, तो वैल्यू क्या कर रहा है पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा था, कहलाएगा ऑक्सीडेशन। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पाँच है, प्रोडक्ट साइड गए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार आ गया, तो वैल्यू पॉजिटिव में क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, अभी प्लस पाँच था प्लस चार आ गया, वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा था कहलाएगा रिडक्शन। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है तो प्लस वन लिख दिए, हाइड्रोजन का एक आइटम है तो गुना एक कर दिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक समान है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस दो होता है तो माइनस दो लिख दिए, ऑक्सीजन का तीन आइटम है तो गुना तीन किए, नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू जीरो लिख दिए, तो वन प्लस एक्स माइनस छः बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस पाँच आ गया। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पाँच होता है, फॉस्फोरिक एसिड में सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है तो प्लस वन लिख दिए, हाइड्रोजन का तीन आइटम है तो गुना तीन कर दिए, हाइड्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जा रहा तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो एक समान है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है तो माइनस टू लिख दिए, ऑक्सीजन का चार आइटम है तो गुना चार कर दिए, फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू जीरो हो गया, थ्री प्लस एक्स माइनस एट बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर प्लस पाँच आया तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पाँच होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है तो एक समान है,
ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन में माइनस टू होता है तो माइनस टू लिख दिए, ऑक्सीजन का दो आइटम है तो गुना दो कर दिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स बराबर प्लस चार आया। सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस चार आया।